अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो मेरा लेक्चर है दैट इज़ रिलेटेड विद रिव्यू एक्सरसाइज 3 विच इज़ द हॉलीडेज होमवर्क फॉर क्लास 8। सो क्वेश्चंस को मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ और फिर वो आप सॉल्व कर लें अपनी नीट कॉपीज पे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो आपने अपनी कॉपी पे कर लेना है। 1 को आप बुक पर कर लें और जो 2 है क्वेश्चन उसको आपने कॉपी में कर लेना है। वो डेफिनेशन है उनको लिख लें। सो क्वेश्चन नंबर 3 जो सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन है उधर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर विद रेडियस 3.2 सेंटीमीटर। सो स्फीयर के वॉल्यूम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। सो आपने रेडियस की वैल्यू 3.2 सेंटीमीटर में पुट कर देनी है और फिर सिंपली इसको कैलकुलेट कर लेना है। आपने हमेशा कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो पाई की वैल्यू या एग्जैक्टली कैलकुलेटर वाली ही यूज़ कर लेनी है और फिर कैलकुलेटर यूज़ करके सिंपली आपने आंसर निकाल लेना और उसके यूनिट होंगे वॉल्यूम के क्यूब में। नाउ क्वेश्चन नंबर टू एक बार उसको पढ़ लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? वॉल्यूम ऑफ अ कॉन, उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/3 πr² h। सो r की वैल्यू भी आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर और h मीन हाइट ऑफ अ कॉन इज ऑल्सो गिवन विच इज 4 सेंटीमीटर। सो ये आपने वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है सिंपली और इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेना है। स्क्वायर इंटू 4, 3 से कैंसिल, तो कैलकुलेटर में आप वैल्यू डालेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। और यूनिट्स नहीं लिखने भूलने आपने, स्पेशली ज्योमेट्री वाले पोर्शन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ a की वैल्यू 2.4 और एक c की वैल्यू भी गिवन है, राइट एंगल ट्राइंगल है, आपने उसकी b की वैल्यू फाइंड करनी है। सो इस क्वेश्चन के लिए अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ कर लें, c पे उसने कहा था कि 90 का एंगल होगा तो c पे 90 का एंगल बना लें। एक कॉर्नर की ऑपोजिट साइड ए होती है, बी कॉर्नर की ऑपोजिट साइड बी और सी कॉर्नर की ऑपोजिट साइड सी होती है। सबकी वैल्यूज आप लिख लें और ए की वैल्यू है 2.4 सेंटीमीटर और बी अननोन है। सो अब हम पिथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है, वो क्या होगा? ए स्क्वायर या सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सब वैल्यूज पुट कर दें, कैलकुलेटर से इनके स्क्वायर कैलकुलेट कर लें और सिंपली आप इसको सॉल्व कर लें और देखें बी का आंसर क्या आता है। जो वैल्यू एक तरफ ऐड हो रही होती है दूसरी तरफ सब्ट्रैक्ट हो जाती है, 1 आ गया और बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो बी का आंसर 1 आ गया, 1 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर व्हेन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर एंड एंगल या सेंट्रल एंगल जो है वो 60 डिग्री है। सो एरिया ऑफ अ सेक्टर और आर्क लेंथ वाले फार्मूलाज हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आर्क लेंथ का फॉर्मूला, वो क्या होता है? एंगल डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 πr। आर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, इसको सिंपली कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास क्या आंसर आता है कैलकुलेटर को यूज़ करके, या ये। अब एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड करना हो तो हम क्या, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? एंगल डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय πr². तो आर स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर लें, सिंपली इसको कैलकुलेटर यूज़ करके कैलकुलेट कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन फोर का ही अभी सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4 सेकंड पार्ट। अब रेडियस गिवन है 7.5 सेंटीमीटर और सेंट्रल एंगल हमें गिवन है 45 डिग्री।
उसी तरह हम आर्क लेंथ फाइंड करेंगे एंगल डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, ये आ जाएगा। इसको डायरेक्टली कैलकुलेट कर लें कैलकुलेटर यूज़ करके तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है। इसी तरह आपने आर्क लेंथ फाइंड कर लेनी है, वो एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड कर लेना है, एंगल डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर देनी है 7.5 और फिर कैलकुलेटर से आपने आंसर निकाल लेना है। तो ये एक आंसर हो गया आपका, दूसरा आंसर ये हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 4 के हमने दोनों पार्ट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, आपके पास रेडियस गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास रेडियस गिवन है एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर गिवन है। सो आपने सेंट्रल एंगल फाइंड करना है, ठीक है। आपने सेंट्रल एंगल उसको मैं थीटा कह रही हूँ, सर्कल के अंदर एक लाइन लगा कर जीरो के ऊपर उसको थीटा कहते हैं। सो उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सारी फॉर्मूला हमने एरिया ऑफ अ सेक्टर का यूज़ करना है, उसमें सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। एरिया की जगह हम 49 लिख लेंगे, थीटा अननोन है उसको एज इट इज़ लिख लेंगे और वो मैंने 8 का स्क्वायर्स लिख लिया। अब जो चीज़ थीटा के साथ डिवाइड हो रही है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी और जो मल्टीप्लाई हो रही है वो दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगी। इसको सिंपली आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें तो आपके पास ये एंगल आ जाता है, सेंट्रल एंगल आ जाता है ऑलमोस्ट 88 या 87.7 डिग्री, ऑलमोस्ट 88 ही हो जाता है। सो हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट सॉल्व कर लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 एक पैरामिक का क्वेश्चन है और उसमें वो कह रहा है कि आपके पास नाइट स्पेंड करनी है एक टेंट में और टेंट जो है वो पैरामिड की शेप का है और उसकी हाइट 3 मीटर है और जो नीचे बेस है दैट इज स्क्वायर और स्क्वायर की साइड जो है वो 2 मीटर है। तो आपने उसमें देखना है कि वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब है कि आपने उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये स्क्वायर बेस पैरामिड है तो आपने उसका बेस एरिया निकाल लेना है। तो बेस में स्क्वायर है तो वो आप उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं ठीक करके लिख लूँ, एरिया ऑफ अ स्क्वायर बेस। तो एक साइड अगर 2 मीटर है तो फिर एरिया फाइंड करने के लिए स्क्वायर ले लेंगे तो वो आ जाएगा 4 मीटर स्क्वायर। हाइट उसकी ये गिवन है, वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या होता है पैरामिड का, टेन भी एक पैरामिड की फॉर्म है, 1/3 बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो 1/3 बेस एरिया 4 है और हाइट इतनी है, आंसर आ गया 4 मीटर क्यूब। वॉल्यूम है तो यूनिट्स और क्यूब में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक राइट पैरामिड है उसकी बेस जो है, एक बेस में एक राइट एंगल ट्राइंगल है और वॉल्यूम गिवन है आपको और उसने कहा कि इफ़ द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज़ दिस, हाइट गिवन है। सबसे पहले आप उसका बेस एरिया फाइंड कर लेंगे। तो बेस में जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो बेस का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस इनटू हाइट। तो हाफ बेस उसकी 6 है, हाइट उसकी 10 है तो ये सिंपलीफाई करके हमारे पास आ जाएगा 30 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बेस भी है आपके पास, बेस एरिया भी आ गया, वॉल्यूम भी आ गया, आपने उसकी हाइट फाइंड करनी है। तो वॉल्यूम वाला ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, बेस एरिया इनटू हाइट। तो बेस की जगह बेस की वैल्यू डाल देंगे 60, बेस एरिया की जगह 30 और हाइट फाइंड कर लेंगे। ये कैंसिल आउट होकर 10 आ गया, हाइट आ गया। अब जो 10 मल्टीप्लाई वाला दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा और इसका आंसर, सॉरी 10 नहीं 6 आएगा, इसको रेज कर लूँ, 6 आ जाएगा, ठीक है 6 आप लिख लें ये आंसर। सो हमारे 5 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 6, इन द राइट एंगल ट्राइंगल आपके साथ पास साइड गिवन है, आपने ए बी, आप इसके लिए आप क्या करें, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लें और 90 का एंगल जो है वो सी पर है। तो अब लेंथ लिख लें, बी सी जो है दैट इज़ 2.1, ए सी जो है 7.2 सेंटीमीटर, तो आपने ए बी फाइंड करना है। तो अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ए बी जो है वो हाइपोटेनस ऑफ अ ट्राइंगल है तो वो हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर।
सो आप इसकी वैल्यूज पुट कर लें, वो सिंपली आप इसको स्क्वायर्स लेके कैलकुलेट करें और फिर ऐड करके बता दें, सारे स्टेप्स कर लें ये। अब बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लें तो वो हमारे पास आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर, सॉरी मैंने यूनिट्स नहीं लिखे, आप यूनिट्स लिख लें, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड विद द बेस एरिया इज दिस एंड हाइट इज दिस। तो ये क्वेश्चन तो सिंपल है, आपने वॉल्यूम वाला ही फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, 1/3 बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। अब इसमें आप क्या करेंगे, 1/3 बेस एरिया गिवन है और हाइट भी गिवन है, वैल्यूज पुट करें, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें। यूनिट्स नहीं लिखने भूलने आपने। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें आपके पास जो है हाइट गिवन है पैरामिड की और बेस में वो कह रहा है कि एक स्क्वायर बेस है जिसका पैरामीटर गिवन है और आपने उसकी स्लांट सरफेस एरिया फाइंड करनी है, यानी कि बेस को निकाल कर जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, अगर नीचे स्क्वायर है तो ऊपर चार ट्राइंगल्स होंगी, ठीक है, ऊपर चार ट्राइंगल्स होंगी, उन चार ट्राइंगल्स का आपने एरिया फाइंड करना है। तो चार ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड करने के लिए आपको उनकी स्लांट जो हाइट है वो भी फाइंड करनी पड़ेगी यहाँ पे। सो सबसे पहले तो जो बेस में पैरामिड है उसको, उसका पैरीमीटर उसने गिवन किया, पैरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो वो पैरीमीटर वाले फॉर्मूले से हम लोग उसकी लेंथ फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें लेंथ चाहिए स्लांट हाइट फाइंड करने के लिए, तो वो 4L आ जाएगा, तो ये 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास स्क्वायर साइड की एक लेंथ आ जाएगी। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें, ये आ गई, ठीक है। अब नीचे वाले, अब आप ऊपर देखिए, आप ऊपर एक ट्रायंगल है जिसकी बेस में इतनी लेंथ है 756, अब आपने उसकी स्लांट हाइट फाइंड करनी है, तो स्लांट हाइट फाइंड करने के लिए अगेन आपने पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करना है। एक बार ट्रायंगल का स्केच कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ठीक है। और ये ऊपर वाली जो चार ट्रायंगल्स हैं, एक का फाइंड करेंगे, उसको चार से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चारों का एरिया आ जाएगा। एक बार इसको स्केच कर लेते हैं, जो ऊपर वाला फेस है ये उसकी हाइट है, जो स्लांट हाइट है ना वो हमने फाइंड करनी है। नीचे बेस में एक स्क्वायर वाली साइड है वो इतनी है, सो अगर हाइट इतनी है तो नीचे टोटल लेंथ इतनी है, तो उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो वो छोटी वाली साइड आ जाएगी, ठीक है, 378। सो ये एक ट्राइंगल है, उसकी बेस क्या आ गई है 378 और उसकी हाइट आ गई है इतनी, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। आपने अब स्लांट हाइट फाइंड करनी है उसकी लेटरल साइड, उसकी जो स्लांटिंग वाली साइड है उसको फाइंड करना है, तो उधर भी पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारे पास उसकी वो वाली साइड आ जाएगी। सो कैलकुलेटर को यूज़ कर लेते हैं, ये मैंने टोटल करके लिख दिया। अब इसका स्क्वायर ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह, ये इसकी स्लांटिंग साइड आ गई है, अब हम क्या करेंगे, हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है ना, तो एक ट्रायंगल के एरिया को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चारों ट्रायंगल्स के एरियाज आ जाएंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय हाफ बेस इंटू हाइट। अब ये वो लेंथ आएगी ना जो हमने फाइंड किया, हाफ बेस, बेस में तो वो स्क्वायर वाली साइड ही है और ये उसकी लेंथ है, वो स्लांटिंग जो साइड है वो है। अब ये चार से इसलिए मल्टीप्लाई करें क्योंकि 4 ट्राइंगल्स हैं, तो 4 को एज इट इज़ रख के इसको कैलकुलेट करते हैं, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास ऊपर वाला जो हिस्सा है उसका सरफेस एरिया आ जाएगा।
तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी भी था और थोड़ा सा मुश्किल भी था। चलिए जी, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हो गया कंप्लीट। और यहाँ पे एरिया के यूनिट स्क्वायर में आएंगे, वो मैंने मिस कर दिया, वो आपने लिख लेने हैं। और अब नेक्स्ट है, आपने क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ अ फुटबॉल फाइंड करना है, फॉर्मूला लगा लेना है। एक का फाइंड करना है, फिर वो कह रहे हैं 100 का फाइंड करें और फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फाइंड करें। अगर एक फुटबॉल का एरिया इतना है तो 100 का कैसे होगा, सॉरी पहले इसको काटे, पहले 100 का फाइंड करना है हमने। एक फुटबॉल का एरिया इतना है, 100 बॉल्स बनाने हैं तो उनका एरिया फाइंड करें और फिर उसकी कॉस्ट निकालनी है। सो एक का इतना है तो 100 फुटबॉल्स का कितना होगा, मल्टीप्लाई पर आप उसको 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा। ओहो, ये फिर से मैं गलत कर रही हूँ। नहीं, मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं ना। दोबारा लिखती हूँ नीट सा करके, तो पेन को यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये 100 फुट बॉल्स का एरिया आ गया, उसके साथ मीटर स्क्वायर आपने लिख लेना है। तो कॉस्ट फाइंड करनी हो तो 1500 को उनके एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपकी कॉस्ट आ जाएगी। अब कॉस्ट आई है, इसके साथ रुपीस लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। अर्थ का रेडियस गिवन है आपको, आपने उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो अर्थ एक स्फीयर की फॉर्म में है, तो सरफेस एरिया ऑफ अर्थ के लिए आप सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो आ जाएगा 4πr² की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हम इसको सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे और हमारा काम हो गया ख़त्म। चलें जी, ये तो हमारा हॉलीडेज होमवर्क हो गया क्लास 8 का ख़त्म। आपने प्रैक्टिस करनी है सारे क्वेश्चंस की और अच्छे अच्छे जो हैं काम करने हैं, आप नीटली काम करना है अपनी कॉपीज पर। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर हॉलीडेज, अच्छा अच्छा स्पेंड करें, फ्रेश होकर वापस आएँ। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।